के भाजपा प्रत्याशी सरदार मीणा की नामांकन रैली में उत्साही जोशी ने भाजपाइयों की भारी भीड़ उमड़ी। शेर नहीं सेवक चाहिए की तख्तियों के साथ भाजपा के झंडे लहराते हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पक्ष में मजबूत वातावरण बनाया। रैली के नगर भ्रमण के दौरान नागरिकों ने जगह जगह भाजपा प्रत्याशी मीणा का भावभीना स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने सेवा के संकल्प को दोहराते हुए जन जन से समर्थन का आशीर्वाद मांगा। रैली के समापन पश्चात आयोजित सभा में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश धारीवाल ने 15 वर्षों से ताबीज कांग्रेस विधायक द्वारा विधानसभा गंधवाने की अनदेखी करने की बात करते हुए बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को मतदान तक बरकरार रखने एवं सहज सरल प्रत्याशी सरदार मीणा को जिताने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी सरदार मीणा ने सेवा के संकल्प के साथ समर्थन का आशीर्वाद दिया। वंदे भारत से ब्रज बाबू की रिपोर्ट। करना चाहते हैं प्रतिनिधि जन समूह के आपके सामने दिख रही है, यही हमारे युवा साथी के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में ये गंधवानी विधानसभा जीत के देंगे। हमारा एक कार्यकर्ता के माध्यम से हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं बूथ पे और गाँव में, हर पंचायत में डटे हुए कार्यकर्ता हमारे। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया, कार्यकर्ताओं का एक हुजूम गंधवानी के नगर में देखा गया, क्या मानते हैं आप कि किस प्रकार से आज इस बार आपकी जीत होने वाली है? देखे ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कहते, इसे युवा जोश कहते हैं, क्योंकि हमारे युवा कार्यकर्ताओं का आज मन की पीड़ा, जो 15 साल का यहाँ का विधायक रहा है लेकिन यहाँ विकास को जीरो है। यहाँ का विधायक 15 साल में मैं ऐसा विकास किया है कि कहीं टैंकर मारता है या ढोल में नाचने कूदने आता है, उसके अलावा कोई विकास जमीन पे कोई एक गेती नहीं मारी, उसने कहीं खरीजा नाले या कोई काम नहीं किया है। इस कारण हमारे यहाँ की गंधवानी विधानसभा की जनता पीड़ित है और ये जोश शक्ति प्रदर्शन नहीं बोलते, ये जोश है। इस जोश के माध्यम से हम इस बार इस गंधवानी विधानसभा को जीत के इनके माध्यम से जीत के टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त में जो दावेदार असंतुष्ट रहे उनको मना लिया गया है अथवा उनसे कुछ नुकसान होने की संभावना है? असंतोष शब्द का भाजपा के कार्यकर्ताओं के स्वभाव में स्थान ही नहीं। नाराजी हल्की फुल्की, और वो भी तब तक जब तक पूरा वातावरण निर्मित नहीं हो जाए। आज की तारीख में कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, और सारे कार्यकर्ता जो टिकट के उम्मीदवार थे, जो टिकट चाहने की दौड़ में लगे हुए थे, वे भी काम में लग गए हैं, और कहीं थोड़ी बहुत कसर होगी तो आने वाले एक दो दिनों में हमारा वरिष्ठ नेतृत्व उसको ठीक ठाक कर लेगा। आज भाजपा के द्वारा जोरदार आगाज किया गया, क्या कहते हैं कि इस बार परिणाम भाजपा के पक्ष में आ पाएगा? रमेश जी, ये आगाज गंधवानी ने पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उसकी झलक गंधवानी में दिखाई दी है, और गंधवानी का आम मतदाता छटपटा रहा है, बेचैन है, वो अवसर की तलाश कर रहा था, और वो अवसर 17 तारीख को भाई सरदार को यानी भाजपा को वोट देने के रूप में आ गया है। और इस बार गंधवानी विधानसभा में पूरा परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। गंधवानी विधानसभा का एक एक मतदाता, कार्यकर्ता नहीं, एक एक मतदाता मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन कर भाजपा के कमल के फूल का बटन दबाएगी, ऐसा वातावरण निर्मित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की नामांकन रैली में जो उमड़ी भीड़ है उसको वोट के रूप में तब्दील कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक पूरे पराक्रम के साथ एक निश्चय लेकर एक संकल्प लेकर सक्रिय है, और इसे भीड़ न कहते हुए हमारे उम्मीदवार सरदार जी को और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने जो जनकल्याणकारी काम किए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आई है, और इनके बल पर हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हम मतदान